हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं थंबनेल में, कोनिकल पेंडुलम न्यूमेरिकल्स, मतलब हम आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो रहेंगे कोनिकल पेंडुलम के ऊपर में बेस। कोनिकल पेंडुलम का ऑलरेडी डेरिवेशन हमने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, और अगर आपने नहीं देखे है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे चेक कर लीजिएगा। ये एक न्यूमेरिकल हम पढ़ने जा रहे हैं, ए मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड शायद से आप लोगों ने देखे होंगे, मेरी गो राउंड इस तरह का अपने पास में अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो फिर ये एक वर्टिकल एक्सिस अपने पास में अवेलेबल है, और ये इंक्लाइंड रॉड, यहाँ एक इंक्लाइंड रॉड यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर ये जो मासेस है, जस्ट लाइक ये जो हॉर्सेस है, वो यहाँ पर लटके हैं, और जब ये घूमेंगे तो इस तरह का हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्क्राइब करेंगे। मतलब ये एक तरह का कोन का ही एग्जाम्पल हो गया कोनिकल पेंडुलम का। तो देखो यहाँ पर लिखा है, ए मेरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल वर्टिकल पिलर। इस मेरी गो राउंड में यहाँ पर ये क्या दिखता है, वर्टिकल पिलर अवेलेबल है। एट द टॉप ऑफ देयर आर हॉरिजॉन्टल रॉड्स। इसके टॉप पे क्या है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रॉड अवेलेबल है, विच कैन रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल रॉड इस वर्टिकल एक्सिस पर घूमते हैं। एट द एंड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रॉड देर इज़ अ वर्टिकल रॉड फिटेड लाइक एन एल्बो जॉइंट। यहाँ पर ये जो रॉड्स है, ये वर्टिकल है थे पहले, बाद में घूमने के बाद ये ऐसे आएंगे। तो ये वर्टिकल रॉड एट स्टार्टिंग में यहाँ पर एज अ जॉइंट करके यहाँ पर अटैच किए गए हैं। एट द लोअर एंड ऑफ द ईच वर्टिकल रॉड देर इज़ अ हॉर्स ऑन विच द राइडर कैन सिट। इस वर्टिकल रॉड के नीचे में यहाँ पर हॉर्सेस वगैरह लगाए जाते हैं, और जिसके ऊपर में हम बैठते हैं। एज द मेरी गो राउंड इज सेट इन टू रोटेशन दीज वर्टिकल रॉड्स मूव अवे फ्रॉम द एक्सल। जैसे घूमने लगेगा तो ये वर्टिकल रॉड यहाँ पर जो था, ये कुछ इस तरह से बाहर में जाएगा। द फिगर शोज वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेरी गो राउंड। यहाँ पर मेरी गो राउंड का ये सेक्शन अपने को दिखता है। विच इज़ द इनिशियली वर्टिकल रॉड्स आर इंक्लाइंड विद द वर्टिकल एट 30 डिग्री। जो रॉड स्टार्टिंग में वर्टिकल थे, अभी वो क्या हुए हैं, कुछ तो भी एंगल से इंक्लाइंड है। थीटा कितना दिया है, 37 डिग्री ड्यूरिंग द रोटेशन। कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द मेरी गो राउंड। ये घूमेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी अपने को कैलकुलेट करनी है। जी की वैल्यू दिया है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 0.6 इतनी दी है। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये सेंटर का इसका एक्सिस या फिर आप पिलर मान लो, ठीक है। अब यहाँ से ये जो इंक्लाइंड रॉड यहाँ पर अपने को दिखता है, यहाँ तक है। अब यहाँ पर हॉर्सेस वगैरह कुछ अटैच किए गए हैं। जब ये हॉर्सेस घूमेंगे तो कुछ इस तरह के हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेंगे, और जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेंगे तो हमें ये एक तरह का कोनिकल पेंडुलम इमेजिन कराएगा। तो ये एग्जाम्पल है कोनिकल पेंडुलम का। अब यहाँ पर देखो, ये है थीटा, इस केस में यहाँ पर थीटा दिया है। ये वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल होंगे, तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसकी रेडियस तो यहाँ तक थी, लेकिन यहाँ पर हमें ये पूरी रेडियस कंसिडर करनी पड़ेगी, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी रेडियस, उसके लिए अपने पास में डायग्राम में देखो, ये हॉरिजॉन्टल रॉड है 2.1 मीटर का दिया है, h इक्वल टू 2.1 मीटर। फिर ये जो वर्टिकल रॉड था जो अभी इंक्लाइंड पोजीशन में दिखाया गया है, v इक्वल टू कितना दिया है, 1.5 मीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या रहेंगी, रेडियस रहेंगी। अब ये अगर इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा का अगर रेशियो लगाते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। उसके हिसाब से ये जो साइड है इतनी, ये क्या हो जाएंगी, वी साइन थीटा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वी साइन थीटा है, इतनी साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड कितनी है, 2.1। मतलब ये जो टोटल आर है, इस आर में वी साइन थीटा भी है और ये जो 2.1 मीटर भी है। तो ये देखो, हॉरिजॉन्टल साइड दिया है 2.1, वर्टिकल 1.5 था, तो आर इक्वल टू कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल साइड प्लस वो जो साइड है वर्टिकल साइड, उसके हिसाब से ये जो यहाँ पर वी साइन थीटा था वो आ गया है, तो एच प्लस वी साइन थीटा। ये जब हमने कैलकुलेट किए तो आर की वैल्यू कितनी आई, 3 मीटर आई।
तो हमें निकालना है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमें पता है वो मिलती है टाइम पीरियड से। तो सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला लेते हैं, टी इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट आर अपॉन जी टेन थीटा। ट्वाइस पाई अगर हम अंदर लेके जाते हैं तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। इन सभी जगह पर इनके वैल्यूज़ रख देते हैं, इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो टाइम पीरियड अपने पास में मिल गया 4 सेकेंड। जब इस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करेंगे मतलब 1/T करेंगे तो हमें मिलेगा फ्रिक्वेंसी। तो एन की वैल्यू अपने पास में अभी अवेलेबल कितनी हो रही, 0.25 RPS। RPS की जगह आप हर्ट्ज भी दे सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, इस स्टोन ऑफ मास 2 kg इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक जो स्टोन है जो स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया है, जिसका मास कितना दिया है, 2 kg दिया है। अटैच एट द एंड ऑफ द 1.5 लॉन्ग स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है इसकी लंबाई मतलब एल कितना दिया है, 1.5 मीटर दिया है। इफ़ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये एंगल कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, तो थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। विद द वर्टिकल कंप्यूट इट्स पीरियड, यहाँ पर भी हमें टाइम पीरियड ही फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी आर ये रेडियस के बारे में नहीं बोला गया है, इसीलिए हम टाइम पीरियड का और एक फार्मूला यहाँ पर डेरिवेशन से लेंगे, टी इक्वल्स टू ट्वाइस पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो इन सभी की जो वैल्यू है अपने पास में अवेलेबल है, इस तरह से यहाँ से हम टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं, तो ये कितना निकलता है, 2.29 सेकेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, इन कोनिकल पेंडुलम अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर। एक कोनिकल पेंडुलम है जिसके स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दी है, 120 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इज फिक्स्ड एट राइट सपोर्ट, सॉरी रिजिड सपोर्ट, ये रिजिड सपोर्ट से फिक्स किया गया है, एंड कैरीज अ मास ऑफ 150 ग्राम, और उस पर मास कितने का दिया है, 150 ग्राम, ग्राम को हम kg में कन्वर्ट देंगे। एट इट्स फ्री एंड इफ़ द मास इज रिवॉल्व इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल, अब जब वो मास हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेगा तो उसकी रेडियस कितनी बोली है, 0.2 मीटर। तो रेडियस अवेलेबल है अपने पास अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्या फाइंड आउट करना है हमें, टेंशन फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड नहीं, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे हम टेंशन। और ग्रेविटी की वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ अपने पास में अवेलेबल है, ये इस साइड में लेंथ, ये हाइट, और इसकी रेडियस यहाँ पर लिख दिया, मतलब एक तरह का ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर काम पड़े तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मास कनेक्ट किया गया है, ये जो भी बॉब है इसका वेट कितना है mg, जो डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी, और इस स्ट्रिंग से ये मास कनेक्ट किया गया था, तो इस स्ट्रिंग को ये मास कुछ इस डायरेक्शन में खींचेगा, और टेंशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट रहेगी, तो ये डायरेक्शन होगी टेंशन की। तो टी क्या हो गया, टेंशन, और टेंशन एक इंक्लाइंड फोर्स होने की वजह से इसको हम करेंगे स्प्लिटअप। स्प्लिटअप करने पर ये थीटा लगकर है, इसलिए टी कॉस थीटा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। ये ऑलरेडी हमने डेरिवेशन में देख चुके हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को दिखता है ये एम जी किसने बैलेंस किया, टी कॉस थीटा ने, मतलब वेट बैलेंस कौन कर रहा है, टी कॉस थीटा, वेट ऑफ द बॉब बैलेंस बाय टी कॉस थीटा, इसलिए टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ये होगी पहली इक्वेशन। अब टी साइन थीटा की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर, और टूवर्ड्स द सेंटर जाने वाला फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, इसीलिए सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय टी साइन थीटा, मतलब ही टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, स्क्वेयर भी करेंगे और ऐड भी करेंगे। ये किस लिए हम करने वाले हैं, टेंशन फाइंड आउट करने के लिए। हाँ, ये डेरिवेशन में नहीं मैंने लिया था आपको, क्योंकि ये जो न्यूमरिकल है ये मुझे लगता है बोर्ड जुलाई में पूछा गया था 2016 में, और ये डेरिवेशन में इंक्लूड नहीं किया था, जो मैंने इस न्यूमरिकल में इसको इंक्लूड किया है। तो पहले और दूसरे इक्वेशन को स्क्वेयर करके ऐड कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वेयर करके ऐड किए और राइट हैंड साइड भी स्क्वेयर करके ऐड किए हैं। ठीक है, तो इन दोनों जगह से टी स्क्वेयर को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, कॉस स्क्वेयर थीटा और ये साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज़। फिर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा होता है 1, तो इसलिए टी स्क्वेयर इंटू 1 टी स्क्वेयर राइट हैंड साइड एज इट इज़, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब फिर से हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है इनको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमने डिवाइड किए थे ऑलरेडी डेरिवेशन में, जिसकी वजह से टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर जी आता है, ये हमें पता है, इसको दिए हमने इक्वेशन नंबर 4। डायग्राम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम टेन थीटा का रेशियो यूज़ करते हैं तो अपोजिट बाय एडजेसेंट के हिसाब से अपोजिट साइड आर है और एडजेसेंट साइड एच है, इस तरह से टेन थीटा इक्वल्स टू आर बाय एच हो रहा है।
अब ये टैन थीटा इक्वल टू आर बाय एच हम कहाँ पे रखेंगे इस टैन थीटा की जगह, तो इस टैन थीटा की जगह हमने रख दी ये आर बाय एच, राइट हैंड साइड फिलहाल एज इट इज़ हमने रख दिए। अब वी स्क्वेयर के फॉर्म में ये आंसर निकालेंगे तो वी स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर जी बाय एच। देखिए वी स्क्वेयर और ये आर जी इधर में मल्टीप्लाई होने के लिए चल जाएगा, तो आर इंटू आर जी आर स्क्वेयर जी ये हो गया और अपॉन में क्या हो गया ये एच, तो वी स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर जी अपॉन एच, ये होगी इक्वेशन नंबर 5। और इस फिफ्थ वाले इक्वेशन को मतलब वी स्क्वेयर के वैल्यू को हम कहाँ पे रखने वाले हैं इस थर्ड इक्वेशन में, यहाँ पर आपको वी दिख रहा है, वी स्क्वेयर की जगह हम रखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 5। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 5 को यहाँ पर हमने रख दी है वी स्क्वेयर की वैल्यू। अब जब हमने ये वी स्क्वेयर की वैल्यू रख दी है तो एम जी स्क्वेयर एज इट इज़ प्लस, यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर में एम है जी भी है और दोनों का स्क्वेयर है, मतलब एम जी का स्क्वेयर हो गया फिर से, तो ये हमने सेपरेट निकाल के रख दिए। और क्या बचा यहाँ से आर स्क्वेयर जी एच और ये आर, और इन सभी का क्या है स्क्वेयर, सॉरी जी हमने पहले ले चुके हैं, तो आर स्क्वेयर अपॉन एच अपॉन आर और उसका स्क्वेयर। जब यहाँ से सब कुछ हम कैलकुलेट कर देंगे कैंसिल आउट भी होगा, तो फाइनली यहाँ से इतने पोर्शन से बचेगा आर अपॉन एच और उसका स्क्वेयर। इन दोनों जगह से हम एम जी स्क्वेयर को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से एम जी स्क्वेयर कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचा वन प्लस, यहाँ से एम जी स्क्वेयर कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचा आर बाय एच का स्क्वेयर। अब टी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, लेकिन सिर्फ टी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इनको रूट में लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं किस चीज़ की इक्वेशन आ गई टी की, और टी क्या है यहाँ पर टेंशन है, ये टाइम पीरियड नहीं है, तो यहाँ पर देखो रेडियस है और हाइट भी है, तो ये जो हाइट है हाइट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हैं तो ये वर्टिकल हाइट नहीं दी है, तो इसके लिए इसी ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि एल पता है आर पता है तो एच निकलेगा, तो वही हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच की वैल्यू हमें मिल जाएंगी इस फॉर्म में, एल की वैल्यू पता थी आर की वैल्यू पता है ये रख देंगे, तो एच की वैल्यू निकलेंगी 1.183 मीटर, जो हम अभी यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। एम जी को अगर हम बाहर लाते हैं तो ये एम जी का स्क्वायर था, बाहर लाते सिर्फ एम जी बच जाएगा, अंडर रूट में 1+r बाय एच स्क्वायर बच जाएगा, या फिर आप अपने हिसाब से इसको वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो। एम जी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिए है जो गिवन में अवेलेबल थी, कन्वर्ट करके रख दिए यहाँ पर, आर की भी वैल्यू रख दी है, एच की वैल्यू हमने कैलकुलेट किए। इस तरह से जब ये पूरा कैलकुलेट करते हैं तो टेंशन की वैल्यू अपने पास में अवेलेबल होती है 1.49 न्यूटन। तो ये टी बेटा क्या है टेंशन है, ये टाइम पीरियड नहीं है, और ये टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये फार्मूला यहाँ पर डिराइव किए इस न्यूमेरिकल में। और एक हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोनिकल सेक्शन ऑफ फनेल, फनेल का एग्जांपल है ये, इस तरह की फनेल रहेंगी जिसका ये जो थीटा है ये अपने पास में अवेलेबल है 37 डिग्री। देयर इज़ अ स्मॉल बॉल केप्ड इनसाइड द फनेल, यहाँ पर क्या इस फनल के अंदर में एक बॉल रखा गया है। ऑन रोटेटिंग द फनल द मैक्सिमम स्पीड ऑफ दैट बॉल कैन हैव इन ऑर्डर टू रिमेन इन द फनल इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो फनल में ये बॉल घुमा सकते हैं हम, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर से घुमाएंगे, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से, तो बॉल बाहर में चले जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऐसे बोला है कि इसको इस बॉल को फनल के अंदर में ही मैक्सिमम स्पीड से घुमाना है, तो वो मैक्सिमम स्पीड कितने की होनी चाहिए 2 मीटर पर सेकंड की होनी चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होगी, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा स्पीड नहीं होगी। कैलकुलेट करना है अपने को इनर रेडियस ऑफ द रिम ऑफ द रोटेशन, इसका जो रोटेशन का ये जो सर्कल है ये अपने को फाइंड आउट करना है, मतलब रेडियस की बात हम कर रहे हैं। इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर में कुछ लिमिट रहेगी या फिर नहीं रहेगी वो पूछा है, अगर लिमिट रहेंगी तो क्या रहेंगी, हाउ मच इट इज़ इट लोअर और अपर लिमिट, वो लोअर रहेगी या फिर अपर लिमिट रहेंगी, और वो कितनी रहेंगी वो फाइंड आउट करना है, और इससे रिलेटेड कुछ रीज़न होगी तो अपने को वो भी देना है। ग्रेविटी की वैल्यू दिया है अपने पास में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साइन 37 दिया है 0.6, तो सभी वैल्यूज़ को एज अ गिवन हम लिख लेंगे, और आर की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो फनेल है, ये फनेल ऐसा है,
इसको हम उल्टा देते हैं तो ये कोनिकल पेंडुलम टाइप हो जाएगा। लेकिन ये कोनिकल पेंडुलम है क्या? नहीं है ना, इसमें कोई स्ट्रिंग या फिर रॉड नहीं है, ना वेट से इसको टेंशन दिया है और हॉरिजॉन्टल सर्कल में नहीं घुमाया है। तो ये एग्जाम्पल कोनिकल पेंडुलम का है क्या? तो नहीं है। ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है? ध्यान दो, इस फनेल के वॉल के ऊपर में ये बॉल घूम रहा है, मतलब ये इंक्लाइंड पाथ के ऊपर में बॉडी घूम रही है, मतलब ये बैंकिंग ऑफ रोड का न्यूमरिकल हो गया। और यहाँ पर अपने को ऑलरेडी मैक्सिमम वेलोसिटी भी दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, और उससे हमें आर फाइंड आउट करना है। मैक्सिमम वेलोसिटी इन द बैंकिंग ऑफ रोड अपने को पता है, वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा होता है। यहाँ पर वी स्क्वेयर ऑफ मैक्स हमने ले लिया, मतलब दोनों साइड में रूट स्क्वेयर ले लिए ताकि ये रूट कैंसिल हो गया। आर के फॉर्म में ये हमने इक्वेशन ला लिया है अभी, तो वी स्क्वेयर मैक्स अपॉन जी टैन थीटा। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना दिया था? 2, उसका स्क्वेयर, जी की वैल्यू 10, टैन थीटा की वैल्यू 37। इस तरह से जो भी हम वैल्यू रेडियस की फाइंड आउट करते हैं वो कितनी आ जाएंगी? 0.3 मीटर ये वैल्यू आने वाली है। ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर अभी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हम कर रहे हैं। अगर बॉल यहाँ पर है और वो फनेल के अंदर में घूमेगा कुछ इस तरह से, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल लेगा, तो इस केस में इसकी रेडियस कितनी होगी? ये, ठीक है। और यहाँ पर पता है कि ये वेलोसिटी कौन सी थी? वी मैक्स थी, ठीक है। कौन सी वेलोसिटी थी? वी मैक्स थी। अब थोड़ी देर के बाद में अगर किसी वजह से ये वेलोसिटी हो गई कम, तो वेलोसिटी कम होगी तो डेफिनेटली बॉल नीचे आएगा, सपोज टू भी यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर इसने हॉरिजॉन्टल सर्कल कुछ इस तरह का ले लिया, तो यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी होगी? इतनी। तो कौन सी रेडियस ज़्यादा है? ये वाली रेडियस ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पर रेडियस कैसे होती है? मैक्सिमम। और जहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होती है वहाँ पर रेडियस कैसे होती है? मिनिमम। अब यहाँ की बात करेंगे और यहाँ की बात करेंगे एट अ टाइम। हमने टाइम एक मान लेते हैं कि हमने घड़ी सेट कर दी, टाइमर सेट कर दिया और दोनों जगह पर बॉल घुमा रहे हैं, ऐसे हम इमेजिन करेंगे। तो देखो, ये बॉल घूमने के लिए ज़्यादा पाथ ट्रैवल करना पड़ता है, इस बॉल को घूमने के लिए कम पाथ ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये बॉल फटाफट घूमेगा और ये बॉल अपना जो पाथ है क्रॉस करके यहाँ से फिर से सामने जाएगा, फिर से सामने जाएगा। तो इसके घूमने की जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी इसके कंपेयर से कम रहेंगी। ये बॉल यहाँ से निकला, यहाँ तक आने का ही है, लेकिन इस केस में ये बॉल आकर भी चले जाएगा, मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसे है? ज़्यादा। मतलब जहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी मतलब एन कैसा है? ज़्यादा। और जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है वहाँ पर रेडियस भी मैक्सिमम है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी कैसे है? मिनिमम। तो यही बात इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और जहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब हमें ऑलरेडी ये चीज़ तो पता है कि वी मैक्स दिया है और वी मैक्स के ऊपर की वेलोसिटी कोई होती ही नहीं, तो क्या रहेंगी वेलोसिटी? उससे नीचे रहेंगी। तो ये होगी उसके नीचे वाली वेलोसिटी, नीचे वाली मतलब मिनिमम वेलोसिटी पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, ठीक है। और उन्होंने अगर फ्रीक्वेंसी की लिमिट पूछा है तो अपने को मिनिमम स्पीड तो पता ही नहीं है। कौन सी स्पीड पता है अपने को? मैक्सिमम स्पीड ही पता है। तो हम मैक्सिमम स्पीड पर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, मतलब मैक्सिमम के ऊपर में स्पीड नहीं रहेंगी, तो जो भी फ्रीक्वेंसी रहेंगी उससे कम फ्रीक्वेंसी अपने को मिलने से रही, ठीक है। तो हम वी मैक्स पर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने वाले हैं। फिलहाल हमने यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर लिए हैं, और ये जो रेडियस है दिस इज़ मैक्सिमम रेडियस ऑफ बॉल इन फनल एट वी मैक्स। अब हम क्या करेंगे? वी मैक्स पर फ्रीक्वेंसी कितनी है वो फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि मैक्सिमम वेलोसिटी पर फ्रीक्वेंसी मिनिमम रहेंगी,
तो वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये फार्मूला अपने को पता है, तो वी मैक्स के फॉर्म में इसे हम यूज़ करेंगे, लेकिन ओमेगा को हम रिप्लेस करेंगे ट्वाइस बाय एन से, और एन फ्रीक्वेंसी है तो मैक्सिमम वेलोसिटी पर फ्रीक्वेंसी कैसे रहती है, मिनिमम। ठीक है, यहाँ से मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इक्वल टू वी मैक्स अपॉन ट्वाइस पाई आर। जब ये सब वैल्यूज़ हम रखेंगे तब मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 1 RPS। ठीक है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम स्पीड पर आ रही है कितनी, 1 RPS। अब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो पता नहीं, क्योंकि मिनिमम स्पीड कितनी होने वाली है वो भी अपने को पता नहीं है, इसीलिए हम बोलेंगे कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लिमिट ही अपने को पता है और कितनी है, 1 RPS। लेकिन इतना कंसेप्ट तो हम दे सकते हैं कि जैसे ही वेलोसिटी ऑफ बॉल विल इन डिक्रीज, इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन विल इंक्रीज। मतलब बॉल की वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगी, इंक्रीज, और इसके अपोजिट भी होगा। एंड द फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी कब डिक्रीज होगी, जब वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। हेंस प्रैक्टिकली फ्रीक्वेंसी हैज़ इट्स लोअर लिमिट। फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, लोअर लिमिट है, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 RPS। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।